भाई एक सवाल मैं आपसे करना जी जी वो मैं करना ये चाहता हूँ कि नोइंग यू वेरी वेल, एक फैन होने के नाते, आपका फैन होने के नाते, आपको लगता है कि आप अपने कैरियर से मुतमईन हैं इन अ वे कि आपका जो टैलेंट था आपने जस्टिफाई किया अपने टैलेंट को टू अचीव व्हाट यू ऑलरेडी अचीव फॉर पाकिस्तान, इससे ज्यादा हो सकता? नहीं, बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑन दिस रिगार्ड कि आप अगर आपके 97 में ग्रेटेस्ट आप एक सूरत में बन सकते हैं, इस पे कॉम्बिनेशन ऑफ कपल ऑफ चीजें मैं आपको फॉरन बताता हूँ। एक टैलेंट जो गॉड गिफ्टेड है आप में था, फिजिक वो थी वो गॉड गिफ्टेड है, सस्टेनेबिलिटी वो सिर्फ इसी वक्त उस वजह से आ सकती है जब आपको अल्लाह ने ब्लेस्ड किया हो किस चीज से। सस्टेनेबिलिटी आप हार्ड वर्क से भी ला सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपके इख्तियार में नहीं। मसलन मैं लॉस्ट माय नीज बैक इन 96 सकलैन को पता, मेरे दोनों नी टूट गए। सो मुझे 13 या 14 साल खेलना विज बियॉन्ड मिरेकल था, मिनिमम और मैक्सिमम। मैं 97, 98 और 99 ये मुझे उनके डॉक्टर्स ने, साउथ अफ्रीकन डॉक्टर्स ने, इंग्लैंड के डॉक्टर्स ने कहा था कि थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा मेनिस्कस वो भी टूट चुका है, कार्टिलेज भी खत्म हो चुका है, ये बोन एंड बोन आ चुका है, ये 1998 है, अब तुम्हारी मर्जी है, खेलना है खेलो, हड्डी में क्रैक पड़ जाएगा फिर हमें हड्डियां काट के इसको इम्प्लांट करना पड़ेगा, हमें इसकी री रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। सो लेकिन जितना मैं खेला हूं वो एक्चुअली विद द पेन खेला। मुझे एक साल मिला था पेन फ्री, वो था 98 का थोड़ा सा मिड और उसका एंड थोड़ा सा, बट द रेस्ट वाज ऑल स्ट्रगल। सो यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड? आई एम 100% सेटिस्फाइड। रीजन व्हाई फिजी, यार देख यार, द पास्ट इज माय, जो मैं पास्ट देखता हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो थिंग्स दैट आर हैपेंड टू मी। लोग वो 600 आउट करके भी इज्जत नहीं हासिल कर सके जो हमने 150 आउट करके ले ली। अगर मुझे अल्लाह ताकत देता जो थी, अगर गोड़े गिटे और मजबूत देता तो मैं शायद 400 आउट भी कर सकता था या 500 भी कर सकता, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। ये मुमकिन था ही नहीं मेरे लिए कि मैं उसके पेन के आगे जा सकूं। इन अ वे यू आर वेरी सेटिस्फाइड दैट यू मैक्सिमाइज योर टैलेंट। हां ऑलरेडी व्हाटएवर यू, बाकी 99 के बाद बोनस था वो सारा, वो था कि चल गुल्ली का अभी ऑपरेशन हुआ ना, पूछो ना गुल्ली। आई नो हाउ, मेरा ये 96 में दो हो चुके। आई थिंक मैं इस चीज का मैं गवाह विटनेस हूं शोएब भाई के, जितने भी मेरा खास जो कि जिस तरह इंजरी बताया, पहले तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बहुत जरूरी है, मेंटली कितने स्ट्रांग हो। और शोएब भाई जितने भी कह, मेरा खास अपने विल पे कह रहे हैं क्योंकि मेरे साथ भी इंजरी हुई है। मैं एक चीज का गवाह हूँ, 2007 आई फिर रिमेम्बर जब हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे, 2007 T20 के लिए, खैर वो कैंप लग गया, मैचेस अरेंज किए जस्ट बिकॉज ऑफ शोएब भाई, क्योंकि उनको देखना था, उनकी वजह से हमें भी गर्मी में बुलाया और मुल्तान की गर्मी में शदीद गर्मी, हमारे देखना था या निकालना और बस जो भी देखना और निकालना डिसाइड करना था। शोएब भाई के साथ मैं रूममेट था और वो मैं अभी तक भूल नहीं सकता, जो ये रात को ना अब अंधेरा गुप अंधेरा, अब मुझे एक जगह से आवाज आ रही है डॉ करके टकरों की आवाज आ रही है, दूसरी जगह से आवाज आ रही है, अब मैं खामोश, मैंने पता नहीं क्या हो गया। शोएब भाई रात को उठे अपने पेन किलर के लिए दर्दों में उठे और जो आवाज़ें निकली, तो उस टाइम पे मैंने तौबा किया, मैंने कहा या अल्लाह हर किसी को इस ऐसी हालत से बचा। जितने पेन में ये खेले मुझे पता है मैं विटनेस हूं इस चीज़ का, अपने विल पे खेले। हाँ फिजी ये फिटनेस पे लगे, फिटनेस थे ही नहीं, बट एनीवेज यार फिजी इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। आई मीन एज आई सेड बिफोर फिजी इज अ ग्रेट फ्रेंड, इन टाइम्स टू कम मैं और फिजी बिजनेस पार्टनर भी बनना चाहते हैं, बिकॉज द पर्सन लाइक हिम आई शुड बी माई बिजनेस पार्टनर, और इन टाइम्स टू कम यू विल गेट टू हियर अ गुड न्यूज। और यू बीन अ ग्रेट हस्बैंड, ग्रेट टीममेट, यू बीन अ एक्सलेंट फादर, और मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द ट्रू पेट्रियोटिक पाकिस्तानी आई केम अक्रॉस। और जितने तुम दिल के साफ हो, अच्छे हो, याद रखना आखिर में तुम्हें कॉम्पनसेशन अल्लाह जरूर देगा, कॉम्पनसेट हुए भी हो और भी कॉम्पनसेशन जो बोनस के साथ रहती है वो अभी बाकी है फीजी, दैट इज गोना कम योर वे, मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग, यू गेट व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ एंड दैट इज गोना कम योर वे। गुल्ली लेट मी टेल यू समथिंग, आई ऑलवेज बिलीव दैट यू आर फार बेटर बॉलर देन आई एम, और तुम समी आसिफ जाहिद मैंने हमेशा रेट किया है, क्योंकि जो लोग दो तरह की स्विंग संभाल सकते हो और फिर पुराना बॉल कर सकते हो, आई थिंक ऑफ द लेंथ अगर उनको ज्यादा पता हो तो आई थिंक दे आर फार बेटर बॉलर देन
probably. मैं तो tear away था, तो डराने वाला था. लेकिन but it's a great having you, Gulli. तुमने 2007 का वर्ल्ड कप हमें जिता के दिया, क्लोज ला के दिया. मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं वापस आ गया. आपने 2009 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में आप पास ले गया था जी. आप भी 2010 में, मुझे बड़ा क्लियरली याद है कि हम बैम आई वाज डाउन एंड अबाउट और तुम अकेला जोर लगा रहे थे. बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज फॉर पाकिस्तान. थैंक यू. पाकिस्तान लव्स यू, आई लव यू, एंड रेस्ट ऑफ पाकिस्तान स्टिल रिमेंबर्स व्हाट यू हैव डन फॉर अस. एंड दिस इज अस फॉर टुनाइट, हफीज एंड गुल्ली. आई होप यू लाइक द एपिसोड. वी आर गोना कीप ऑन कमिंग विद द न्यू एपिसोड. स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, गुड नाइट. तो अगर आपको फिल्मों में करने का चांस मिल जाए, फिल्म करेंगे? गुड क्वेश्चन, लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं है इस बारे में. चले कैमियो देना हो थोड़ा सा, ऐसे एंट्री दे. मे बी अगर लाइफ उस तरह चली जाएगी तो. जुल्फों काली काली, जुल्फों के फंदे न डाल. काली काली जुल्फों फंदे न डाल.